इंदिरा नगर में जलकुंभ और पाइपलाइन कार्यों का शिलान्यास सांसद राजन विचारे ने किया शुभारंभ। तुर्बे MIDC क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में अब 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध होगा। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी की पहल पर आज सांसद राजन विचारे ने यहां विशाल क्षमता वाले नए जलकुंभ और पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और विजय चौगुले खास तौर पर मौजूद थे। सांसद राजन विचारे ने इन विकास कार्यों का श्रेय सुरेश कुलकर्णी को देते हुए कहा, यहाँ के चार प्रभागों में जनता की समस्याओं को मिटाने का वे सदैव प्रयास करते रहे हैं, जो सराहनीय है। सांसद ने दावा किया कि मनपा चुनाव में अगली बार महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का भगवा लहराएगा। एरिया मध्ये त्यांचं काम आहे आणि लोकांचा सुद्धा विश्वास आहे, म्हणून आज चार नगरसेवक त्यांच्या माध्यमातून या विभागाचं नेतृत्व करत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेसुद्धा आज महाआघाडीचं सरकार आहे आणि महाआघाडीच्या सरकाराच्या माध्यमातून आज हे सर्व उपक्रम हे होत आहेत। मी त्यांचं कौतुक करतो। नाल्याचा सुद्धा कित्येक दिवसाचा जो प्रश्न होता, जे काम मागच्या काळामध्ये नामंजूर झालं होतं, ते सुद्धा काम आज त्याचंसुद्धा भूमिपूजन होत आहे। या अशा पद्धतीने कुलकर्णी साहेबांच्या माध्यमातून या संबंध विभागाचा विकास करण्याचं काम होत आहे आणि मला नक्की खात्री आहे, परत एकदा ह्या संपूर्ण विभागाचं नेतृत्व करण्याची संधी त्यांना मिळेल असा विश्वास मी व्यक्त करतो। आणि आमचा एकच विषय आहे, या महाआघाडीचा महापौर या महानगरपालिकेमध्ये होणार, ही काळ्या दगडावरची रेखा आहे। बता दें कि इंदिरा नगर प्रभाग 73 से जुड़ा यह इलाका पानी की भारी किल्लत झेल रहा था, जिसके समाधान के लिए शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी लगातार प्रयास कर रहे थे। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नए जलकुंभ से तुर्बे के इंदिरा नगर, बोनसरी आदि इलाकों में पानी की समस्या दूर होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही यहाँ सड़क और आरोग्य सेवाओं की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। उद्देश्य एक कि ह्या ठिकाणी जय माताजी क्वारी, आपला महावीर क्वारी, सुनाभट्टी, बोनसरी, हा संपूर्ण हा परिसर हा आपल्याला या ठिकाणी याच्या माध्यमातून पाणी देता येईल। त्या ठिकाणी बरेच लोक ते मध्ये बोलले होते, त्या ठिकाणी पाणी इकडे येत नाही, इकडे येत नाही। त्या ठिकाणी बांधायचे उद्देश हा एकच आहे की त्या ठिकाणी हा पूर्ण परिसरामध्ये पाणी पोहोचवलं। ओके, थँक्यू। इस अवसर पर शिवसेना सांसद ने बोनसरी इलाके में भी विकास कार्यों का शुभारंभ किया। यहाँ तमाम कार्यकर्ता और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।